हनुमान जी के द्वारा वीर सिंह की पराजय, वीरभद्र के हाथ से पुष्कल का वध, शंकर जी के द्वारा शत्रुघ्न का मूर्छित होना और हनुमान जी के पराक्रम से शिव का संतोष, हनुमान जी के उद्योग से मृत हुए वीरों का जीवित होना, श्रीराम का प्रादुर्भाव और वीरमणि का आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, मुने, हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीरवर ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त करूंगा। वानर के मुख से ऐसी बड़ी चढ़ी बात सुनकर वीर सिंह क्रोध में भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारावाहिक वृष्टि करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीर सिंह की छाती पे दे मारा। मुष्टि का प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देख राजकुमार शुभांगद वहां आ गया। रुक्मांगद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, अतः वह भी युद्ध में आधम का। वे दोनों भाई भयंकर संग्राम करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को समर भूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और पृथ्वी पर बड़े वेग से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तत्काल मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी सुमत के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छा को प्राप्त हुए। तदनंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देखकर भक्तों को पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर स्वयं उस विशाल युद्ध में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए आए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व काल में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और प्रथम गणों सहित पृथ्वी तल को कंपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में उतर आए। शत्रुघ्न को आया देख पिनाकधारी रुद्र ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान से लड़ने के लिए भेज दिया। तदनंतर कुशध्वज के पास प्रचंड हो सुबाहु के साथ भृंगी को और सुमत के साथ चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देखकर पुष्कल अत्यंत उत्साह पूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल कर दिया। उनके बाणों से क्षत विक्षत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काट कर विकट गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा देख रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी पुष्कल के रथ को भी तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को त्याग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गए और वीरभद्र को मुष्टि के प्रहार से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टि का प्रहार आरंभ किया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू थे। इस प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते उन्हें 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें घुमाकर पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट दिया। इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी लोग थर्रा उठे। रणभूमि में जो युद्ध कुशल वीर थे उन्होंने
वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। पुष्कल के वध का वृतांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान शंकर ने कहा, रे शत्रुघ्न, तू युद्ध में शोक ना कर। वीर पुष्कल धन्य है जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरा अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अतः महाबलवान राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक छोड़ दिया। उन्हें शंकर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों का प्रहार आरंभ किया। उधर से शंकर ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मुंह में डालने वाले लोग संहारकारी प्रलय काल आ ही पहुंचा है। दर्शक कहने लगे, ये तीनों लोगों की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले रुद्र हैं, तो भी वे महाराज श्री रामचंद्र के छोटे भाई हैं। ना जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिव में 11 दिनों तक परस्पर युद्ध होता रहा। 12वें दिन शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते ही पी गए। इससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवादिदेवों के शिरोमणि भगवान शिव ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं में भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव का वध करने की इच्छा से बोले, रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सभी बातें आज मिथ्या साबित हुई क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरे भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आए हैं और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न जो शूरवीरों का दमन करने वाले हैं इसके ऊपर चढ़ाए। इस अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उनकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है, अतः जिस किसी तरह भी संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीपति, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए। उन्होंने एक बड़ी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पताका सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवान मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने शाल का वृक्ष उखाड़कर बड़े वेग से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने एक तीखा शूल हाथ में लिया जिसकी 3 शिखाएं थी तथा जो अग्नि की ज्वाला की भांति जाज्वल्यमान हो रहा था।
अग्नि तुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने जब वेग के साथ आते त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले तब भगवान शिव ने तुरंत ही हाथ में शक्ति ले ली जो सबकी सब लोहे की बनी हुई थी। शिव जी की चलाई हुई वे शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ गई। इससे वे कपिश्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल हुए। फिर एक ही क्षण में उस पीड़ा को सहकर उन्होंने एक भयंकर वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित महादेव जी की छाती में प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी की मार खाकर शिव जी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे। वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़े वेग से पाताल में घुस गए। इसके बाद शिव जी ने उनके ऊपर मूसल चलाया किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय राम सेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिवजी की छाती पर दे मारा। तदनंतर उनके ऊपर दूसरी शिलाओं वृक्षों और पर्वतों की वृष्टि आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेटकर मारने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक ही क्षण में प्रहार करके शिवजी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब वे वानरराज हनुमान से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्तवर तुम धन्य हो। आज तुमने पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। महान वेगशाली वीर, मैं दान यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने लगे तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है, तथापि आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित हो गए हैं तथा दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से क्षत विक्षत एवं मूर्छित होकर धरती पर गिरे हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीर का खंड खंड ना हो, इस बात की चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणगिरी को लाने जा रहा हूँ। उस पर मरे हुए प्राणियों को जिलाने वाली औषधियां रहती हैं। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण दीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पुष्कल आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उसे लाने को उद्वत हुए तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देखकर उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, किस लिए यहाँ आए हो, क्यों इसे ले जाना चाहते हो? उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, देवताओं, राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हीं को जीवित करने के लिए मैं यह द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। अतः तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा वे औषधियां दे दो जिससे मैं रणभूमि में मरे हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार की यह वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषध लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें आया देख समस्त बैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक उद्वत शक्तिशाली वीर माना। हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ मृत हुए वीर पुष्कल के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मृत हुए संपूर्ण वीरों को जलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कल के विशाल वक्ष स्थल पर औषधि रख दी। उनके सिर को धड़ से जोड़कर वह कल्याणमय वचन कहा, यदि मैं वाणी मन और क्रिया के द्वारा
रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कर शीघ्र ही जीवित हो जाए। इस बात को ज्यों ही उन्होंने मुंह से निकाला, त्यों ही वीर शिरोमणि पुष्कर उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में रोष के मारे दांत कटकटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देखकर कपिराज हनुमान जी ने कहा, वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चलें। यूं कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे, जहां भगवान श्री शिव के बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न केवल सांस ही ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर दवा रख दी और कहा, भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। इतना कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित हो बोल उठे, शिव कहाँ है? शिव कहाँ है? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गए? पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर दिया था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको जीवित कर डाला। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर बैठकर रोषपूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर चले। अब की बार राजा वीरमणि स्वयं ही शत्रु का सामना करने के लिए उनके सामने आए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजा के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए इस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। वारुणास्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देख महाबली शत्रुघ्न ने उस पर वायव्य अस्त्र का प्रहार किया। इससे बड़े जोरों की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की गिरी हुई घटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। उधर वीरमणि ने जब देखा कि मेरी सेना आंधी से कष्ट पा रही है, तब उन्होंने धनुष पर शत्रु का संहार करने वाले पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। पर्वतों के द्वारा वायु की गति रुक गई। अब वह युद्ध क्षेत्र में फैल नहीं पाती थी। यह देखकर शत्रुघ्न ने वज्रास्त्र का संधान किया। वज्रास्त्र की मार पड़ने पर समस्त पर्वत तिल तिल करके चूर्ण हो गए। शत्रुवीरों के अंग विदीर्ण होने लगे। खून से लथपथ होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय युद्ध का अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणि का क्रोध सीमा को पार कर गया। उन्होंने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो वैरियों को दग्ध करने वाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से छूटकर शत्रु की ओर चला। तब तक शत्रुघ्न ने भी मोहनास्त्र छोड़ डाला। मोहनास्त्र के एक ही क्षण में ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े कर डाले तथा राजा की छाती में चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर दिया। तब शिवजी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध के लिए आगे बढ़ाए और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा, जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्विप्त हो उठी। शिवजी के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। हा नाथ, हा भैया, ये अत्यंत भयंकर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर के पार हो चुके हैं। कृपा निधे, मुझ दुखिए को भी उबारिए। शत्रुघ्न ने ज्यों ही उपर्युक्त बात मुख से निकाली, त्यों ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान श्री राम मृग का श्रृंग हाथ में लिए
यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां आ पहुंचे। समर भूमि में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। प्रणत जनों का कलेश दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुखों से मुक्त हो गए। हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भक्ति की रक्षा के लिए आए हुए भगवान से बोले, स्वामिन, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा लेंगे। इसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया जान, श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत बहारी प्रभु से बोले, भगवन, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से भी पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंशकला से इस विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। वे परमात्मा आप ही हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालन के समय स्वयं प्रकाश राम और प्रलय के समय सर्व नाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। कृपालो, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं, मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए ही यह सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहां आया हूं। पूर्वकाल की बात है, इस राजा ने शिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा, महाराज, वर मांगो। इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा। जब तक वहां श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अशोक का आगमन होगा, तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास करूंगा। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था। उसी सत्य से मैं उस समय बंधा हूं। अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। श्री राम ने कहा, भगवन, देवताओं का तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्तों की रक्षा की है, यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूं। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद बुद्धि रखकर हम दोनों को भिन्न भिन्न देखते हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य हजारों कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, और जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। उसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रों को भी, जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े थे, जीवित कराया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र, पौत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। बात्सायन जी, धन्य है राजा वीरमणि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ है। उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राजा परिवार के लोग कृतार्थ हो गए। उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं की भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, हनुमान और पुष्कल आदि उद्भट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि ने शिवजी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया। साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं
तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणि में रथ पर बैठे बैठे ही अंतर ध्यान हो गए। मुने, विश्ववंदित श्री राम को तुम मनुष्य ना समझो। जल में, थल में, सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। भगवान शंकर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। यूं कहकर प्रलय और उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भगवान शिव स्वयं भी अदृश्य हो गए, समस्त पार्षदों के साथ कैलाश में चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न के साथ साथ आगे बढ़ चले। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेगा, उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा।